22वीं जूनियर खो खो स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को जीतकर गोरखपुर लौटी टीम के सदस्यों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं टीम के कोच अविनाश कुमार को भी बीएससी ने सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दें कि टीम में बेसिक शिक्षा परिषद भटहट ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलहरिया जमुनिया के 8 बच्चे चयनित थे। इस अवसर पर सर्व शिक्षा के शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री श्रीधर मिश्रा, अध्यक्ष राजेश धर दुबे, विवेक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अरे सर प्लीज सर, हम ये पहना लेंगे सर, प्लीज पहना नहीं सर, बच्चे को उतार खुश रहो। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए बीएससी रामेंद्र कुमार सिंह व विजयी टीम के कोच अविनाश कुमार ने बताया। आज ये हमारे बच्चे बेसिक के थे तो स्टेट लेवल चैंपियनशिप हुई थी खो खो प्रतियोगिता में, इन बच्चों ने उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम सभी इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और इनके कोच की भी, जिन्होंने इनको तैयार किया है उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और हम लोग चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा में जो ये खेल प्रतियोगिता होती है इसमें हमारे सभी अध्यापक प्रतिभाग करें और बच्चों को एक व्यवस्थित तरीके से तैयार करें, हमेशा इनके लिए जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें अपना नाम रोशन करें। सर ये बेसिक परिषद के बच्चे हैं और हमारे बी एस ए साहब, रीना मैडम और अकरम सर के सहयोग से ये बच्चे को तैयार करने में इन लोग का बहुत योगदान रहा है। और भटट ब्लॉक में ही इन बच्चों की तैयारी हो रही थी पिछले 6-7 महीने से ही, और हर साल ये बच्चे स्टेट खेलने जाते हैं, नेशनल भी खेलते हैं, जिसका पूरा श्रेय मैं अपने बेसिक विभाग के जो बी एस ए साहब उनको देना चाहूँगा। रीना मैडम है और अकरम सर हैं, इन ये लोग प्रॉपर बच्चों को भी गाइड किए और हमको भी विभाग से समय दिलाए ताकि मैं बच्चों को अभ्यास करा सकूँ। लगभग कितने सालों बाद ये बच्चे आए? ये सर टूर्नामेंट तो चलता रहता है और ये अभी जूनियर में लगभग 20 साल के बाद जो है गोरखपुर जो है 75 जिलों में टॉप पे आई है, प्रथम स्थान प्राप्त की है और बिजनौर में यह आयोजित हुआ और बिजनौर के ही हरा के ये लोग जो है